नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर लगाया प्रतिबंध, मेटा ने हमास प्रमुख हानिया की हत्या पर शोक संदेशों को किया था ब्लॉक। वहीं इजराइल ईरान तनाव का भारत पर भी दिख रहा है असर, एयर इंडिया ने कैंसिल की तेल अबीब की सभी उड़ाने। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड डोनेशन के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन देन की व्यवस्था की एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि इसी साल फरवरी में शीर्ष कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, साथ ही स्टेट बैंक को फौरन चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था। पीएम मोदी ने चीन को दिया कड़ा संदेश, बोले हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन के साथ वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि हम एक स्वतंत्र खुले नियम आधारित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। वायनाड दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों से मिलने के बाद ऐलान किया कि कांग्रेस यहां 100 से अधिक घर बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य में इस क्षेत्र में हुई अब तक की सबसे बड़ी घटना है और इससे अलग तरीके से निपटना चाहिए। बता दें कि केरल में भारी बारिश के बाद वायनाड में भारी तबाही हुई है, यहां भूस्खलन के चलते 308 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक कोई सिस्टेमिक नाकामी नहीं है, पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनकी पत्नी पार्वती समेत विभिन्न लोगों को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए भू आवंटन के संबंध में आरोपों पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्यपाल का कदम कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को अनुसूचित जाति के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उन्नयन के लिए उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने वाले फैसले का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इस फैसले से आरक्षित श्रेणियों में कोटा देने के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। रूसी सशस्त्र बलों में काम करने वाले भारतीयों के बारे में राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। कृति वर्धन सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 12 भारतीय नागरिक पहले ही रूसी सशस्त्र बलों को छोड़ चुके हैं, जबकि अन्य 63 व्यक्ति जल्दी काम छोड़ना चाह रहे हैं। सिंह ने कहा कि 8 भारतीयों के मारे जाने की खबर है। अयोध्या मामले में पीड़िता की मां ने आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जहां सीएम योगी ने पीड़िता की मां को भरोसा दिलाया कि सपा नेता मोहित खान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के झंझारपुर से पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव और आईएएस राजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई है। इन दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई थी। अब ईडी ने पीड़ित महिला को पूछताछ के लिए बुला लिया है। पीड़ित महिला ने दोनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को हुए अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए थे, इसके बीच ऊपरी तलों पर बने पुस्तकालयों ने अपनी फीस में दोगुनी बढ़ोतरी की है। सरकार और एजेंसियों की कार्रवाई का कोई असर यहां दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि इलाके में 80% लाइब्रेरी बेसमेंट में बने हुए थे। संसद सत्र के दौरान शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने हमला बोलते हुए कांग्रेस और करप्शन को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने गरीब का राशन और कोरोना की दवाई तक बेचकर पैसा कमाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा 4 अगस्त को प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा विजय शंखनाद रैली करने जा रही है। इस रैली की शुरुआत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन रैलियों में भाजपा के प्रमुख चेहरे होंगे। आपदा प्रभावित राज्य उत्तराखंड की स्थितियों पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी कमान संभाल ली है, जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ राज्य सरकार के 5 हेलीकॉप्टर के साथ वायुसेना के MI-17 एवं चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अभी भी 1500 लोग आपदा में फंसे हुए हैं।
जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी झामुमो गठबंधन और प्रतिपक्ष भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जहां हेमंत सोरेन के भाजपा नेताओं के बैटरी डिस्चार्ज वाले बयान पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन की हार तय है, अपनी हिलती कुर्सी को देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकबका गए हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। बीते 9 वर्षों से रायपुर विमानतल में खड़े यूनाइटेड एयरवेज बांग्लादेश की MD-83 विमान का पार्किंग शुल्क करीब 4 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। रायपुर विमानतल अथॉरिटी ने इन 9 वर्षों में बांग्लादेशी एयरलाइन को 90 से अधिक बार पत्र व ईमेल के जरिए विमान हटाने और पार्किंग शुल्क चुकाने को कहा है, लेकिन एयरलाइन ना तो शुल्क चुका रही है और ना ही विमान वापस ले गई है। अब विमानतल के निदेशक SD शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जा चुकी है और अब वहीं से निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आज एक दुखद घटना घटी है। यहाँ एक घर में बने कुएं में हथौड़ा गिरने के बाद उसे निकालने की कोशिश में 4 लोगों ने जान गंवा दी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा को लेकर आपातकालीन बैठक की। उन्होंने बादल फटने व भारी बारिश से प्रभावित हुए परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, पूरी मशीनरी युद्ध स्तर पर राहत व पुनर्वास कार्य में जुटी हुई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव का रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी यासिर भट्ट अपने घर से लापता हो गया है। ये वही आतंकी है जो साल 2019 में जम्मू शहर में बस स्टैंड पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। उसके लापता होने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तृणमूल कांग्रेस 5 अगस्त को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी, जिसमें 1905 और 1947 के बाद तीसरी बार राज्य का विभाजन करने के भाजपा नेताओं के कई प्रस्ताव की निंदा की जाएगी। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में लगभग आधा दर्जन भाजपा नेताओं ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल की सीमाओं को फिर से बनाया जाए और कुछ हिस्से पूर्वोत्तर या अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाए। मुंबई के एक युवक को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू कहना भारी पड़ गया। एक विशेष पॉस्को अदालत ने ऐसा करने वाले 19 वर्षीय युवक को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गुजरात में न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। मोरबी पुल और राजकोट गेमिंग जोन हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने की करेगी मांग। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस इन्वेस्ट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। बिहार के सहरसा जिला के जलई थाना ओपी में नव पदस्थापित थानाध्यक्ष ममता कुमारी ने पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रहेगी तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनका पहला कर्तव्य होगा। बता दें कि थाना अध्यक्ष ममता कुमारी इससे पूर्व महिषी एवं बनगांव थाना में SI के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा का मिसाल कायम कर चुकी है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए सुबह की शुरुआत गर्म पानी का सेवन कर करें। कोशिश करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिए, इसके बाद एक्सरसाइज करें। वजन कम करने के लिए शारीरिक रूप से एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है, साथ ही प्रोटीन युक्त आहार लें, अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही दूध वाली चाय छोड़कर हर्बल चाय पिए, ऐसा करने से आपका मोटापा जल्द कम हो जाएगा। सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब ने जेल वार्डर और जेल मैटर्न के पदों पर भर्तियां निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट ssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।